है 1959 की। एक लेटर जाता है टू देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को, विच सेट्स इन मोशन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, जिससे बदल जाती है किस्मत हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज और धर्मशाला टाउन्स की। तो इस वीडियो में देखेंगे हम इन दोनों खूबसूरत टाउन्स की समय चक्र के साथ बनने, बिखरने और फिर बनने की कहानी, इसके दिलचस्प भूगोल और इसके आसपास 25 जगहों के थ्रू जो मार्कर्स हैं इसके इसी बदलते इतिहास के। धर्मशाला और इसके आसपास ही मैक्लोडगंज का टाउन लोकेटेड है हिमाचल की खूबसूरत कांगड़ा वैली में, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है और हिमाचल की ज़्यादातर वैली से अलग है। दरअसल ये वैलीज दो सेपरेट माउंटेन रेंजेस के बीच में पड़ती हैं एंड सो जनरली ब्रॉड होती हैं। तो इसीलिए इस वैली के दक्षिण में पड़ती है शिवालिक रेंज एंड उत्तर में धौलाधार की मिडिल हिमालयस, जिसके फुटहिल्स पर एट अबाउट 1450 मीटर्स पड़ता है धर्मशाला एंड एट 2050 मीटर्स पर पड़ता है मैक्लोडगंज का टाउन, जो धर्मशाला से जुड़ा है दो रोड्स और एक रोपवे के थ्रू। कांगड़ा का ये रीजन एक बहुत ही प्राचीन किंगडम रहा है, जिस पर काफ़ी समय तक कटोच राजवंश ने शासन किया था, जो अपनी लीनेज महाभारत काल तक जोड़ता है, जिसकी झलक हम देखेंगे धर्मशाला के आसपास कई प्राचीन किले और मंदिरों के रूप में। धर्मशाला और मैक्लोडगंज को रोड, रेल और एयर तीनों तरीकों से पहुंचा जा सकता है। इस यहां पर है धर्मशाला से आधा घंटा दूर कांगड़ा एयरपोर्ट, पठानकोट से जोगिंदर नगर तक चलती है टॉय ट्रेन और तीन मेन हाईवेज धर्मशाला को हिमाचल की बाकी डिस्ट्रिक्ट्स और भारत के बाकी राज्यों से जोड़ते हैं। तो पहला हाईवे जो धर्मशाला मैक्लोडगंज को बाकी राज्यों से जोड़ता है वो है नेशनल हाईवे 503। दिल्ली चंडीगढ़ से आने के लिए ये शॉर्टेस्ट रूट है, जिससे धर्मशाला पहुंचने में करीब 10 घंटे लगते हैं। ये हाईवे हिमाचल की ऊना डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है, जहाँ इसके रास्ते पर पड़ता है कांगड़ा की कटोच डायनेस्टी द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया 16 सिंगी फोर्ट। फिर ये हाईवे जैसे ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है तो वहाँ पड़ती है शिवालिक्स के बीच ब्यास नदी पर बनी पोंग डैम की साइट, जहाँ है ये खूबसूरत लेक और इसमें ये सबमर्ज टेम्पल्स। इसके पास ही पड़ता है हरिपुर फोर्ट और प्रागपुर का खूबसूरत टाउन, जिसके बाद आता है ज्वालामुखी टेम्पल जो है एक शक्तिपीठ भी, और फिर हम पहुंच जाते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स कांगड़ा टाउन में। धर्मशाला से लगभग आधा घंटा दूर कांगड़ा का टाउन प्राचीन काल में कांगड़ा राज्य की राजधानी भी थी, और इसीलिए यहाँ है ये भव्य कांगड़ा किला, जो भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। हालांकि 1905 के कांगड़ा अर्थक्वेक में इसको काफी डैमेज हुआ था, पर अब भी इसका ग्रैंड्योर देखकर ही पता चलता है एंड यहाँ से पूरी कांगड़ा वैली के खूबसूरत व्यूज मिलते हैं। वैसे कांगड़ा राज्य का महत्व आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि राजा पोरस, जिन्होंने अलेक्जेंडर के साथ युद्ध किया था, वो इसी डायनेस्टी के हैं। कांगड़ा से ही एक घंटा दूर है शायद नॉर्थ इंडिया ओल्डेस्ट स्टैंडिंग लास्ट टेम्पल्स ऑफ मसरूर, जो है लगभग 1300 साल पुराने। इससे आगे कांगड़ा से लगभग आधे घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं धर्मशाला। कांगड़ा से करीब 45 मिनट पहले नेशनल हाईवे 503 को शिमला हमीरपुर से आ रहा नेशनल हाईवे 303 ज्वाइन करता है, और इस रास्ते पर हमीरपुर कांगड़ा बॉर्डर पर पड़ता है अगेन कटोच राजवंश द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया सुजानपुर टीरा या फोर्ट। तीसरा रास्ता जो धर्मशाला को कनेक्ट करता है वो है नेशनल हाईवे 154, जो पंजाब के पठानकोट से शुरू होता है, और इसके रास्ते में पहले आता है 10वीं शताब्दी में बना नूरपुर फोर्ट, जिसके दो घंटे बाद आता है धर्मशाला। आज धर्मशाला का टाउन फेमस है अपने इस खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम के लिए, पर दरअसल 1845 में आफ्टर एंग्लो सिख वॉर यहाँ और इंटायर कांगड़ा रीजन में ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया था, और उन्होंने इनिशियली कांगड़ा में आर्मी कैंटोनमेंट बनवाई, जहाँ स्टेशन थी फर्स्ट गुरखा राइफल्स, जिसको बाद में इन हिल्स पर शिफ्ट करा, जहाँ उस समय कुछ एंशियंट रूइंस के साथ लिटरली एक धर्मशाला थी, जिससे इस टाउन का नाम पड़ा। धर्मशाला के 8 किलोमीटर ऊपर बसा फोरसिदगंज, जिसका नाम पड़ा उस समय के डिविजनल कमिश्नर के नाम पर, जहां बनी ये खूबसूरत जॉन इन द विल्डरनेस चर्च, और इससे भी ऊपर बसा मैक्लोडगंज, जिसका नाम पड़ा उस समय पंजाब के गवर्नर डेविड मैक्लोड के नाम पर, जहां पर गुरखा राइफल्स के सोल्जर्स रहते थे और जिन्होंने यहां उस समय बनवाया था ये भक्सू नाग टेम्पल।
जो आज के मैक्लॉडगंज टाउन स्क्वायर से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर है। भक्सुनाथ मंदिर के एक तरफ पड़ता है भक्सु वाटरफॉल और दूसरी तरफ धर्मकोट का टाउन। दोनों से 2.5 से 3 घंटे ट्रैक करके आता है खूबसूरत ट्रियुंड, जहां से साफ दिखाई देती है धौलाधार की स्नोलाइन। दरअसल धौलाधार की पहाड़ियां चंबा डिस्ट्रिक्ट में डलहौजी के पास से स्टार्ट होती हैं एंड इनका ऑल्टीट्यूड वेस्ट से ईस्ट काफ़ी तेजी से इंक्रीज करता है, पीकिंग एट हनुमान टिप्पू जो है 19,630 फीट पर। और इसीलिए इन पहाड़ियों का सबसे ऊंचा सेक्शन कांगड़ा में ही पड़ता है, जिसकी वजह से हिमाचल में मानसून की सबसे ज़्यादा बारिश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही होती है, जिससे हम देख सकते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में दूर तक फैली हुई हरी भरी सपाट वादियाँ और जहाँ से स्नो कवर्ड हिमालयस के कुछ सबसे खूबसूरत व्यूज मिलते हैं, इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम नड्डी व्यू पॉइंट जो मैक्लॉडगंज टाउन स्क्वायर से 5 किलोमीटर दूर एक दूसरी हिल पर लोकेटेड है एंड जिसके रास्ते में आती है खूबसूरत डल लेक एंड इसके ऑपोजिट है ये शिव टेम्पल। ब्रिटिश आर्मी कंटोनमेंट बनने के बाद धीरे धीरे मैक्लॉडगंज का टाउन स्टार्टेड गेनिंग प्रोमिनेंस और बाकी इंडिया से ट्रेडर्स ने आकर यहाँ पर शॉप्स लगानी शुरू करी टू केटर टू द ट्रूप्स एंड ब्रिटिशर्स, जो आज मैक्लॉडगंज का काफी बिजी टाउन सेंटर है। इनफैक्ट उस टाइम के इंडियन वॉइसरॉय लॉर्ड एल्गिन इस जगह से इतने इम्प्रेस थे दैट ही वांटेड टू मेक इट अ समर कैपिटल ऑफ इंडिया। एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट फॉर मैक्लॉडगंज, बट देन सडनली समय का पहिया घूमा और लॉर्ड एल्गिन डाइड इन 1863 और जिसके बाद शिमला बनी इंडिया की समर कैपिटल इन 1864, जिससे इस शहर की इम्पोर्टेंस कम होनी शुरू हुई। पर इसको मोस्ट लीथल ब्लो लगा 1905 के कांगड़ा अर्थक्वेक, जब इस टाउन को मैसिव डैमेज हुआ एंड द ब्रिटिश मोस्टली विथड्रू फ्रॉम दिस प्लेस एंड द टाउन लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स ग्रैंडियर, लीविंग द शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ मैक्लॉडगंज इन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। 54 साल बीत गए। अब 1959 में दलाई लामा तिब्बत छोड़ इंडिया में आए एंड ही वॉज सर्चिंग फॉर अ होम इन इंडिया। ब्रिटिश टाइम से मैक्लॉडगंज की मार्केट में नरोजी फैमिली की एक जनरल मर्चेंट शॉप हुआ करती थी। उसके उस समय के ओनर थे NN नरोजी, जिन्होंने PM नेहरू जी को एक लेटर लिखा सजेस्टिंग दलाई लामा टू कंसिडर मैक्लॉडगंज एज हिज होम इन एग्जाइल। उस लेटर का कोई जवाब तो नहीं आया, पर कुछ दिनों बाद PMO से 2 गाड़ियां उनकी शॉप पर आई एंड दे इंस्पेक्टेड द प्लेस। सून दलाई लामा भी वहां आए एंड इंस्टेंटली लाइक द प्लेस और मैक्लॉडगंज बन गया दलाई लामा का निवास स्थान, जिससे समय का चक्र एक बार फिर घूमा एंड इस शहर का ग्रैंडियर केम बैक। आज इसी मैक्लॉडगंज मार्केट से पास करते हुए आप दलाई लामा का रेजिडेंस एंड टेम्पल देख सकते हैं। धर्मशाला से स्टेट हाईवे पर चलकर आधा घंटा दूर आता है इम्पोर्टेंट एंड प्राचीन चमुंडा देवी मंदिर और इससे भी आधा घंटा आगे आता है प्रोबेबली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का सबसे फेमस टाउन पालमपुर। 1500 मीटर पर बसा ये टाउन नॉर्थ इंडिया की टी कैपिटल भी है। खूबसूरत टी गार्डन्स के अलावा यहाँ देखने के लिए है न्यूट्रल खाड, जहाँ से मिलते हैं धौलाधार रेंज के खूबसूरत व्यूज और इसके पास ही है कारगिल मार्टियर कैप्टन सौरभ कालिया को डेडिकेटेड सौरभ वन विहार। वैसे पालमपुर इज ऑल्सो द होम टाउन ऑफ कारगिल वॉर हीरो एंड परम चक्र अवॉर्डी कैप्टन विक्रम बत्रा। पालमपुर के ईस्ट में करीब आधा घंटा दूर है बैजनाथ शिव मंदिर। इस मंदिर से प्राप्त इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग ये मंदिर 1300 साल पुराना है और यहाँ ये मान्यता भी है कि बैजनाथ में ही रावण ने शिव की तपस्या करी थी, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दशहरे में रावण की एफिजी नहीं जलाई जाती। इसके आगे पालमपुर से 1 घंटा दूर आता है खूबसूरत बीर, जो फेमस है अपनी प्लेस बिलिंग के लिए फॉर इंडियाज मोस्ट फेमस पैराग्लाइडिंग साइट। यहाँ से थोड़ा ही आगे पड़ता है कांगड़ा रेलवे का आखिरी स्टेशन एट जोगिंदरनगर और साथ ही है हराबाग का टाउन, जो फेमस है अपने मेस्मराइजिंग व्यूज के लिए। कांगड़ा के नॉर्थ में धौलाधार की पहाड़ियों के बीच पड़ता है बड़ा बंगाल का एरिया, जहाँ है भडल और तंतागिरी ग्लेशियर्स जिनसे 2 रिवर स्ट्रीम्स निकलती है और बड़ा बंगाल में मर्ज होकर बनाती है रावी नदी। बड़ा बंगाल का ट्रैक वैसे मनाली के पास से स्टार्ट होता है और आपको फॉरेस्ट्स, एल्पाइन एंड स्नोलाइन रीजन तक लेकर जाता है। ट्रियुंड के इजी और बड़ा बंगाल के रिलेटिवली टफ ट्रैक के बीच धर्मशाला के पास और भी कई ट्रैक्स हैं, जैसे इंद्राहर पास और करेरी लेक एंड यहाँ से आप नेशनल हाईवे 154 लेकर
चंबा वैली या कुल्लू वैली की तरफ जा सकते हैं।